नमस्कार। जगुका जी के हब में आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुभकामनाएं। रोजाना की करंट अफेयर की कड़ी में हम वापस शुरू करने जा रहे हैं। आज 17 जुलाई का करंट अफेयर है, वही हमारे पास पांच न्यूज हैं। उन पांच न्यूज को हम करने जा रहे हैं, देखिएगा। पहले मैं न्यूज के बारे में आपको बता दूं क्या है। आज का न्यूज़पेपर आपने देखा हो तो उसमें पहला नंबर आया कि परवन बहुउद्देश्य परियोजना है। हमारे राजस्थान में एक परियोजना है, परवन बहुउद्देश्य परियोजना, जिसको राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग राजस्थान के मुख्यमंत्री ने की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की है परवन बहुउद्देश्य परियोजना को, तो नंबर वन। दूसरा, आपने पेपर देखा हो तो एक क्वेश्चन आया है कि दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान पुरस्कार होता है राष्ट्रीय स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का एक पुरस्कार है दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान पुरस्कार, वो पाली के कृषि विज्ञान केंद्र को दिया गया, पाली के कृषि विज्ञान केंद्र को दिया गया। तीसरा है नए जिलों के निर्माण के लिए। आज पेपर में बहुत बड़ा लेख आया कि नए जिलों का निर्माण होना था लेकिन वो नए जिलों का निर्माण अभी अटका हुआ है, तो नए जिलों के निर्माण के लिए कौन सी कमेटी का गठन था, तो परमेश चंद्र समिति। ठीक है, ये तीन न्यूज राजस्थान से रिलेटेड है जिनको हम इंडिया से भी कनेक्ट कर देंगे, सारी चीज़ों को जोड़ के देखेंगे। एक आया ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड हो रहे हैं, ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड अभी जुलाई में हो रहे हैं 2020 के, जिसमें भारतीय टीम का जो कप्तान है वो विदित संतोष गुजराती को बनाया गया है। विदित संतोष गुजराती। तो ये कौन सा है, शतरंज का खिलाड़ी है जिसको अपने जो ओलंपियाड होंगे शतरंज के उसमें भारतीय टीम का क्या होगा कप्तान। मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार घोषित हुआ है 2020 का, जो मोहन बागान प्रत्येक वर्ष देता है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मेजर ध्यानचंद के बेटे अशोक कुमार को मिला है। मेजर ध्यानचंद के बेटे किसको मिला है, अशोक कुमार। और मोहन बागान के बारे में कल हमने फुटबॉल पढ़ा था तो काफ़ी बात भी हुई थी। तो इस प्रकार से आज की पांच न्यूज़ हैं जिनको आप एक बार देख लीजिए। अब वही हम डेली की तरह बोल रहे हैं कि एक बार आप अपना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक मिनट का अपन ब्रेक दे करके वापस शुरू कर रहे हैं। हाँ, आप देखिए, देखिएगा क्या है, एक बार देखिए। हमारा टॉपिक था परवन बहुउद्देश्य परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है, तो चर्चा में आया बहुउद्देश्य परियोजना, तो हमारा टॉपिक बन गया बहुउद्देश्य परियोजना। तो हमने लिखा है कि वह परियोजना जो एक साथ अनेक उद्देश्य जैसे सिंचाई है, विद्युत है, आपका बाढ़ नियंत्रण है, आदि अनेक उद्देश्यों को पूरा करती है, वह परियोजना बहुउद्देश्य परियोजना कहलाती है। बहुउद्देश्य परियोजनाओं को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने श्रद्धा मंदिर भारत के मंदिरों की संज्ञा दी थी, भारत के मंदिरों की संज्ञा दी थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, कृषि में हमें बिजली और सिंचाई दोनों की जरूरत होती है, तो हमारे लिए तो मंदिर ये बहुउद्देश्य परियोजना ही है। और इसलिए पहली बहुउद्देश्य परियोजना इंडिया में जो बनी वो बंगाल और बिहार के बीच में दामोदर नदी परियोजना। कौन सी, दामोदर नदी घाटी परियोजना देश की पहली बहुउद्देश्य परियोजना है जो बंगाल और बिहार के बीच में बनी। आज के परिप्रेक्ष्य में बंगाल के दो टुकड़े होंगे तो स्वाभाविक सा था पश्चिम बंगाल, कौन सा, पश्चिम बंगाल हो गया और उधर बिहार का झारखंड हो गया। तो आज दामोदर नदी घाटी परियोजना बेसिकली झारखंड और किसके बीच में है, पश्चिमी बंगाल, और नदी कौन सी होगी, दामोदर नदी। ठीक है, अब है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य परियोजना है भाखड़ा नांगल, कौन सी, भाखड़ा नांगल, जो कौन सी नदी पर स्थित है, तो सतलज नदी, कौन सी नदी, सतलज, और कहाँ पर स्थित है, तो पंजाब में, और ये बेसिकली तीन राज्यों के बीच परियोजना है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो हमारे देश की पहली बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी होगी, दामोदर नदी घाटी परियोजना, और देश की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी होगी, भाखड़ा नांगल बहुउद्देश्य परियोजना। अब हम बोल रहे हैं राजस्थान में आएंगे, अब कहाँ पर आएंगे, राजस्थान।
तो राजस्थान में बहुउद्देश्य परियोजना, एक तो व्यास परियोजना है। कौन सी परियोजना? व्यास, जो सतलज, रावी, व्यास तीनों पर स्थित है। और व्यास परियोजना भी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच में है। भांकड़ा नांगल परियोजना दूसरी है, जो कौन सी नदी के पर है? सतलज पर। और किसके बीच में? वही पंजाब, हरियाणा और किसके बीच में? राजस्थान। तीसरी चंबल है, चंबल नदी पर है। और मध्य प्रदेश और किसके बीच में है? राजस्थान। चौथी आपकी माही है, तो माही बहुउद्देश्य परियोजना है, वो बेसिकली आपकी किसके बीच में है? तो ये बेसिकली गुजरात और किसके बीच में? राजस्थान। और राजस्थान में इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर यानी आदिवासी क्षेत्र की सिंचाई और विद्युत के लिए काम करती है। और पांचवी नर्मदा परियोजना है। कौन सी? नर्मदा नदी। कौन सी है? नर्मदा। और नर्मदा नदी है तो स्वाभाविक बात है ये बेसिकली मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की परियोजना है। ये सब परियोजनाएं हमने बताई, तो ये राजस्थान की परियोजनाएं होगी। अब हम पढ़ रहे थे इनमें से एक परियोजना कौन सी है? परवन परियोजना। छठी परियोजना कौन सी है? परवन। परवन परियोजना परवन नदी पर बनी हुई है परियोजना, जो झालावाड़, कोटा एवं बारा के बीच में है। झालावाड़, कोटा और किसके बीच में है? बारा। और ये 200,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करेगी। और परवन नदी काली सिंध की सहायक नदी है, और काली सिंध चंबल की सहायक नदी है, और चंबल आपकी यमुना की सहायक नदी है, और यमुना गंगा की सहायक नदी है। तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का क्रम है। नंबर वन बंगाल की खाड़ी की नदी, खाड़ी में गिरने वाली नदियों के क्रम में नंबर वन गंगा, गंगा की सहायक कौन? यमुना। यमुना की सहायक कौन? चंबल। चंबल की सहायक कौन? काली सिंध। काली सिंध की सहायक कौन? परवन। तो इस परवन नदी पर बांध बना हुआ है। अब इसके साथ एक और चीज़ जोड़ सकते हैं, परवन बांध राजस्थान में चौथे नंबर का बांध है, बड़ा बांध, चौथा बड़ा बांध है। तो पहला बड़ा बांध है राणा सागर, राणा प्रताप सागर बांध, जो चंबल नदी पर है और चित्तौड़ में है। चंबल नदी पर कहाँ पर है? चित्तौड़। दूसरा बांध है बड़ा, जो आपका माही बजाज सागर बांध, जो बांसवाड़ा में है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में, और माही नदी पर है। तीसरा बिशलपुर बांध है, तो बिशलपुर बांध टोंक में है, और कौन सी नदी पर? बनास पर। और चौथा बांध परवन बांध है, जो बेसिकली झालावाड़ में है, और नदी कौन सी है? परवन नदी। तो इस प्रकार से आपने देखा तो इसमें इंडिया, राजस्थान, बहुउद्देश्य परियोजना, सारी बातें आ गई हैं। और टॉपिक हमारा था परवन बहुउद्देश्य परियोजना। तो इस प्रकार से आप देखते हैं तो सारी चीज़ों को जोड़ सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान पुरस्कार दिया गया। दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान पुरस्कार दिया गया, ये 2019 का दिया गया। ये 7 लाख रुपए का पुरस्कार है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। कितने रुपए का पुरस्कार है? 7 लाख। दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान पुरस्कार 7 लाख रुपए का पुरस्कार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। राजस्थान में किसको दिया गया? तो राजस्थान में पाली कृषि विज्ञान केंद्र को दिया गया। पाली कृषि विज्ञान केंद्र को दिया गया है पाली। ये तो डायरेक्ट करंट हो गया। अब ये पुरस्कार कृषि में आप नवाचार करते हो इसके लिए दिया जाता है। कृषि में नवाचार करते हैं यानी नवीन आयाम है जो कृषि के, उसके लिए दिया जाता है। अब आप आते हो कृषि के नवाचारों में, एक तो आजकल जैविक कृषि आई है। कौन सी? जैविक। तो जैविक कृषि कौन सी होगी? कि भूमि के जैविक तत्वों को बनाए रखते हुए जो कृषि करते हैं, मतलब रासायनिक खाद वगैरह का प्रयोग नहीं करते, जिससे भूमि के जैविक तत्व हैं, भूमि की जो फर्टिलिटी है, उसके जैविक कारक हैं, वो सारे बने रहते हैं, उनको बनाए रखते हुए हम जो कृषि करते हैं उसको कौन सी कृषि बोलते हैं? जैविक कृषि। जैविक कृषि इंडिया में सबसे पहले कहाँ पर आई? सिक्किम में। सबसे पहले कहाँ पर आई? सिक्किम। और राजस्थान में सबसे पहले कहाँ पर आई? डूंगरपुर। डूंगरपुर। तो ये जैविक कृषि के बारे में आजकल पूछते हैं। एक है शुष्क कृषि। कौन सी? शुष्क। जो शुष्क भूमि में कृषि होती है वो कौन सी कहलाती है? शुष्क कृषि कहलाती है। इसे इजरायली कृषि भी बोलते हैं। कौन सी कृषि? इजरायली। इजरायली इसलिए बोलते हैं, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और इजरायल की भौगोलिक स्थिति बिल्कुल समान है। तो इजरायल में जो मरुस्थल है या जो पहाड़ी एरिया है उसमें कौन सी कृषि की जाती है, उसके बारे में आपकी बात चल रही है, तो इजराइल में। तो ये आपकी इजरायली कृषि में एक तो होहोबा जोजोबा की खेती, ये पेट्रोलियम पदार्थ जो कॉस्मेटिक सामग्री में काम आते हैं। और बेसिकली हम जो ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई होहोबा जोजोबा को पीला सोना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीला सोना। ये मरुस्थलीय क्षेत्र में उगता है। कौन से में? मरुस्थलीय। और राजस्थान में इसके दो फार्म हैं, एक तो ढंड जयपुर में, ढंड जयपुर। होहोबा
जोजोबा के जो फार्म है वो एक तो ढंड जयपुर में है और एक फतेहपुर सीकर में है। फतेहपुर सीकर होबा जोजोबा को पीला सोना भी बोलते हैं और ये आपका कॉस्मेटिक सामग्री में काम आता है। रतन ज्योत जेट्रोफा ये बायोडीजल है जो पहाड़ी एरियों में मतलब उगता है, मतलब ये जो पौधा है वो पहाड़ी एरियों में उगता है और जो डीजल के विकल्प के रूप में काम आ रहा है बायोडीजल, जो प्रदूषण कम करेगा और सस्ता भी पड़ेगा। ये रतन ज्योत जेट्रोफा है और ये पहाड़ी एरियों में। एक है जैतून रिफाइनरी हमारे यहाँ पे लूणकरण सर में लगाई गई है। कहाँ पर लगाई गई है? लूणकरण सर। और जैतून ओलिव मतलब जैतून की चाय जो है हमारे यहाँ पे विश्व में पहली बार बनी है, जैतून की चाय जो बस्सी कृषि फार्म में बनी है। बस्सी कहाँ पर है? जयपुर में। तो ये आप सब चीज़ें इसके साथ दिखा सकते हैं। अब आया एक है सिंचाई पद्धतियाँ जो नवीन, जिसे पानी की क्या आती है, पानी कम खर्च होता है। जैसे एक तो फंवारा स्प्रिंकलर सिस्टम, कौन सा सिस्टम? स्प्रिंकलर। अब स्प्रिंकलर सिस्टम अनिवार्य कर दिया। पहला नदी घाटी परियोजना है नर्मदा, तो नर्मदा नदी घाटी परियोजना में स्प्रिंकलर को अनिवार्य कर दिया गया है कि जब तक आप स्प्रिंकलर नहीं लगाएंगे तब तक आपको पानी का कनेक्शन नहीं मिलेगा। आरएसपी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। और एक बूंद बूंद सिंचाई, तो कृषि में जो नवीन आयाम है उनमें आप इसको शामिल कर सकते हैं। तो कृषि के नवीन आयामों के लिए कृषि विज्ञान केंद्र पाली को आपका दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान पुरस्कार दिया गया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, नए जिलों के निर्माण के लिए परमेश चंद्र कमेटी बनाई गई है। अभी आपका राजस्थान में 33 जिले हैं और 33 जिलों के बावजूद आपके अनेक क्षेत्रों में नए जिले निर्माण की मांग उठ रही है। तो नया जिला, तो इसके लिए एक कमेटी गठित हुई है जिसका नाम है परमेश चंद्र कमेटी। अब देखो, जिला क्या है? तो जिला शब्द डिस्ट्रिक्ट से बना है और डिस्ट्रिक्ट शब्द डिस्ट्रिक्ट से बना है। इसका मतलब है एक सीमित भूभाग जिसे आसानी से संचालित हम कर सकें, चाहे वो प्रशासनिक दृष्टि से हो चाहे न्यायिक दृष्टि से हो, तो इसके को हम क्या बोलते हैं? जिला। अलग अलग समय पर जिलों को अलग अलग नाम दिया है। मौर्य काल में जिले को जनपद बोलते थे। जनपद। और उसका जो अधिकारी होता था वो राजू का होता था और एक समाहर्ता होता था, राजू का और समाहर्ता। आज सुनिए, आज हमारे ज़िले में डीएम एंड डीसी होता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है और डीसी मतलब रेवेन्यू को मेंटेन करता है। तो उस समय डीएम का काम राजू का कर रहा था और डीसी का काम समाहर्ता कर रहा था। डीसी का काम कौन कर रहा था? समाहर्ता। तो दो अधिकारी थे। मुगल काल में जिले को सरकार कहा गया। मुगल काल में जिले को क्या कहा गया? सरकार। अब वो डीएम का काम फौजदार कर रहा था। कौन कर रहा था? फौजदार। और डीसी का काम अमाल गुजार कर रहा था। कौन कर रहा था? अमाल गुजार। ब्रिटिश काल में इसको डिस्ट्रिक्ट बना दिया और इसको डील करने वाले डीएम और कौन है? डीएम और डीसी। और वर्तमान में भी डीएम और डीसी हैं जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लैंड ऑर्डर को मेंटेन करता है और जो डीसी है वो बेसिकली आपका रेवेन्यू को मैनेज करता है। इस प्रकार से आपको हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया। अब आप बात करते हो राजस्थान वर्तमान राजस्थान बना था, तब हमारे राजस्थान में कितने जिले थे? तो 26 जिले थे। कितने जिले थे? 26। बाद में वर्तमान में जिले कितने हैं? 33। और 33 के बाद 27वां जिला धौलपुर बना। बाद में 28, 29, 30 ये तीन जिले आपके राजसमंद, दौसा और बारा बना। 31वां जिला आपका हनुमानगढ़ बना। 32वां जिला आपका करौली बना और 33वां नवीनतम जिला आपका प्रतापगढ़ बना। तो वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं? तो वर्तमान में राजस्थान में 33 जिले हैं। 33वां जिला कौन सा है? तो प्रतापगढ़। 32वां जिला कौन सा? करौली। और 31वां जिला कौन सा? हनुमानगढ़। और 30वां जिला कौन सा? दौसा। 30वां जिला कौन सा? गैर राजसमंद। 29वां जिला कौन सा? दौसा। 28वां कौन सा? बारा। और 27वां कौन सा? धौलपुर। इस प्रकार से हमने जिलों के बारे में बात बताई। अब आता है ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड हो रहा है जुलाई में 2020 का, जिसमें भारतीय टीम का जो कप्तान है वो विदित संतोष गुजराती है।
तो डायरेक्ट करंट आता है तो ऐसे पूछ लिया जाता है कि भाई विदित संतोष गुजराती का संबंध कौन से खेल से है, तो शतरंज से। तो अब हमारा टॉपिक हो गया शतरंज। तो शतरंज में जो सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है उसको ग्रैंड मास्टर के नाम से जाना जाता है। तो भारत का सबसे प्रसिद्ध ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद को प्रसिद्ध ग्रैंड मास्टर बोलते हैं। अब विश्वनाथन आनंद के साथ अपन एक चीज और जोड़ सकते हैं, देश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जो 7.5 लाख रुपए का पुरस्कार है, वो पहला देश में विश्वनाथन आनंद को ही दिया गया था, पहला। अब मैं बोलूंगा वर्तमान, तो 29 अगस्त को खेल दिवस आ रहा है, उस दिन वर्तमान वाले 2020 के खेल पुरस्कार दिए जाएंगे, तो वो आप तब नोट कर सकते हैं। तो पहला पुरस्कार हो गया। अब आइए राजस्थान का प्रसिद्ध ग्रैंड मास्टर कौन रहा है? तो राजस्थान का प्रसिद्ध ग्रैंड मास्टर जो रहा है वो अभिजीत गुप्ता, अभिजीत गुप्ता। अब अभिजीत गुप्ता शतरंज के क्षेत्र में राजस्थान में पहला पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी है, अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाले खिलाड़ी है। तो राजस्थान में पहला अर्जुन शतरंज में किसने प्राप्त किया था? तो अभिजीत गुप्ता ने, अभिजीत गुप्ता, अर्जुन अवार्ड। अब मैं फिर बोलूं सबसे बड़ा पुरस्कार खेल का कौन सा देश का? राजीव गांधी खेल रत्न जो 7.5 लाख रुपए का। दूसरा बड़ा पुरस्कार कौन सा? अर्जुन जो 5 लाख रुपए का पुरस्कार है। और तो राजस्थान में पहला अर्जुन किसको दिया गया? अभिजीत गुप्ता। और देश में पहला राजीव गांधी खेल रत्न किसको दिया गया? तो विश्वनाथन आनंद को दिया गया। इस प्रकार से हम देखते हैं तो शतरंज के खिलाड़ी भी आ गए और प्रतियोगिता भी आ गई आगे। अब हम आगे बोल रहे हैं मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020। कल की जो करंट अफेयर की क्लास थी तब हमने फुटबॉल पढ़ा था, तो फुटबॉल में हमने बताया कि सबसे पहला फुटबॉल टीम जो बनी थी वो मोहन बागान क्लब की बनी थी। तो मोहन बागान देश में पुराना प्रसिद्ध क्या है, क्लब है, फुटबॉल क्लब है। तो वो प्रत्येक वर्ष मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार देता है। तो अब की बार का उसने जो पुरस्कार दिया वो 2020 का अशोक कुमार को दिया गया है। अब प्रश्न उठता है अशोक कुमार कौन है? तो अशोक कुमार मेजर ध्यानचंद के पुत्र हैं, जिन्होंने 1975 में हॉकी विश्व कप में हॉकी में स्वर्ण पदक जिलाने में सफलता प्राप्त करवाई थी। और मेजर ध्यानचंद जो हमारे हॉकी के क्या हैं, जादूगर, 29 अगस्त को उनके नाम से खेल दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार से आपने देखा तो हमने 5 न्यूज़ पढ़ी, लेकिन 5 न्यूज़ में आपने देखा तो पहली न्यूज़ है तो ज्योग्राफी आ गई, बहुउद्देशीय परियोजना, इंडिया हो चाहे राजस्थान। दूसरी जो न्यूज़ है उसमें कृषि, तो कृषि ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स दोनों आ गई, सारी की सारी चीज़ें बताई। तीसरा आपका जिला, तो एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, पॉलिटिकल साइंस आ गई, तो सारी सब्जेक्ट आ रहे हैं। और ये दोनों खेल के क्वेश्चन हो गए। तो इस प्रकार से आपने देखा तो करंट अफेयर के बारे में हमने बताया। रोज़ाना आप जुड़े रहें जिससे आपको फ़ायदा होगा। आप सारी क्लासों को एक करके देखोगे तो आपको काफ़ी कोर्स कवरअप दिखाई देगा। दोस्तों मैं चाहता हूं कि भाई आप इसको रोज़ाना देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं, और जिससे हमारे को मोटिवेट मिलता रहे। हम निरंतर इसमें सुधार करते रहेंगे और आप तक बेहतर न्यूज़ पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं।